हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज है संडे तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाई जाए। मिठाई तो हर किसी को खाना बहुत ही पसंद है, पर अब सब लोग जान चुके हैं भाई मिठाई खाने से हम हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होने वाले, हम अपने सेहत के साथ में नुकसान कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए क्या है एक स्पेशल डिश, इसमें हम आपको ये स्वीट बनाना सिखाएंगे पाइनएप्पल का। वे प्रोटीन के साथ में मिक्स करके हमने इसे बनाया है, 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन। जब आप बाहर की मिठाई खाते हैं तो उसके अंदर आपको मिलता है शुगर, 50 से 100 ग्राम तो शुगर ही होती है उसके अंदर। अगर वो मिठाई 200 ग्राम आप खाई आपने तो उसमें 100 ग्राम तो आपने शुगर ही खा ली। तो यहाँ पे हम शुगर इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 5 से 10 ग्राम पतंजलि का हनी हमने ऐड किया है 1/2 लीटर दूध के अंदर। और ये एज इट इज़ का वे प्रोटीन है जो मैंने पहले रिव्यू कर चुका, आप मेरी लास्ट वीडियो देख चुके। मैंने इसमें 1 स्कूप ऐड कर दिया है, दूध को मैंने पहले थोड़ा सा चला के कम किया है। उसके बाद इसमें मैं हनी 1 स्पून और उसके बाद वे प्रोटीन ऐड किया है इसमें 1 स्पून। इसको दोनों को मिक्स करना है अच्छी तरह से फ्रेंड्स। बाहर की अनहाइजीनिक अनहेल्दी मिठाई खाने से अच्छा है आप घर पे इसे जरूर ट्राई करें। इसमें आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है बॉस, और सिर्फ इसके अंदर शुगर मिलेगी आपको 5 से 10 ग्राम, जबकि 90% आपकी शुगर कम हो रही है जो आप कंपेयर करेंगे बाहर की मिठाई के साथ में। और टेस्ट तो लाजवाब है। ये मैंने पाइनएप्पल को ग्राइंड कर लिया है, लगभग इसमें मैंने 200 ग्राम पाइनएप्पल लिया है उसको मैंने ग्राइंड किया है, साथ में इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने थोड़े से आलमंड भी डाले थे वो भी साथ में मैंने मिक्स कर दिए, आलमंड मैंने भिगा सोक करके रखे थे वो इसमें ऐड किए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे रेजिन्स, रेजिन्स बहुत ही इसे टेस्टी बना देंगे और साथ में इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बढ़ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप चलाते रहिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसे केक भी बोल सकते हैं, पाइनएप्पल केक। फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन का ही इस्तेमाल करना है। मैंने 1/2 लीटर मिल्क यूज़ किया था, आप 1/2 लीटर की जगह 1 लीटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्किम मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आजकल बहुत ईजीली मिल जाता है। इस मिल्क को आप पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं, रात को डिनर के टाइम पर भी ले सकते हैं। और इसमें साथ में ये है कि बहुत सारे लोगों को खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं ज़रूर। तो आप इसे बना के इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, हमारी बन के रेडी हो चुकी है। देखिए नाइस नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, पाइनएप्पल का नेचुरल कलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।